आज हम रॉयल सिनेमाज में इस वक्त मौजूद है। एनिमल मूवी जो है रिलीज हो चुकी है, फर्स्ट शो है, लगातार भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से हाउसफुल चल रहा है लगातार, और जनता से भी बात करेंगे, पब्लिक जो है व्यूअर से बात करेंगे कि किस तरह से लगातार रोड भी जाम हो गई थी और इतनी मुश्किल से पूरा जो जाम है वो खुला है। काफी व्यूअर्स यहाँ पर पहुंचे हैं मूवी देखने के लिए, उनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह की मूवी लगी उन्हें, और इतना जो एक कह सकते हैं लोगों में क्रेज बना हुआ है आज मूवी देखने के लिए, इतनी भारी अमाउंट में इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, देखते हैं कैसी मूवी लगी है लोगों को। और इतनी भीड़ जो है देखने पहुंची है, हाउसफुल शोज चल रहे हैं और कई लोग जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, बताएंगे आपको किस तरह का रश। भी मूवी के पहले शो के पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर आज एनिमल मूवी का जो शो रहा है किस तरह से, क्या रिस्पांस रहा और कैसी रही मूवी। तो पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, पाठक जी क्या बताएंगे, एनिमल मूवी का पहला शो जो देखा तो कैसी लगी मूवी? हेलो, नमस्ते सभी व्यूअर्स को। एनिमल मूवीज का बहुत क्रेज हो रहा है, सभी को बहुत पसंद आ रही है, फुल ऑफ एक्शन पैक मूवी है, लोगों को एक्शन बहुत पसंद आ रहा है। और दूसरा, इसमें बाप बेटे का रिलेशन बहुत बॉन्डिंग दिखाई गई है इसके अंदर। बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। कैसे आप बेटा अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। बात की जाए एनिमल की स्टार कास्ट की, तो क्या स्टार कास्ट है मूवी की? स्टार कास्ट मुझे मेन लीड है, देखने को मिलेंगे रणबीर कपूर, साथ में रश्मिका मंदाकिनी, अनिल कपूर इनके पैप के रोल में है, और बॉबी देओल नेगेटिव रोल में है। तो बात की जाए यहाँ पे पब्लिक के क्या रिएक्शन रहे, फर्स्ट शो आपने देखा और लगातार बैक टू बैक शो चल रहे हैं, क्या कहेंगे पब्लिक का क्या रिएक्शन? पब्लिक बहुत ही पसंद कर रही है पिक्चर को, बहुत ही एक्शन, इसका बहुत पावरफुल एक्शन है मूवी, एंड एक्शन और शो बैक टू बैक शो हाउसफुल है। इसके अलावा हमने रात का शो भी बढ़ाने पड़ रहा है। अच्छी मूवी थी, काफी अच्छी थी, और बॉबी देओल का तो काफी अच्छा लगा कि चेंजेस इतने टाइम बाद देखने को मिली, काफी बढ़िया लगा। और अच्छी मूवी है कि बोर नहीं है कहीं से कहीं तक, अच्छे गाने हैं और लुक्स वाए कपड़े वगैरह सब कुछ बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी तक। बहुत ही खतरनाक मूवी थी भाई साहब, मतलब इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा मतलब करने वाले जो है वो वांगा राधिका सर ने, और उसको जो सबसे बेस्ट सीन था ना, वो जो पहनकर वो एक उसमें देखा था ना केजीएफ में, वो जो बंदूक लेके नहीं करता है, एक और आया था केजीएफ में, यहाँ पर जो बंदूक थी ना वो तो बहुत ही खतरनाक थी, इतना बड़ा घर के बराबर बड़ी बंदूक, और बहुत ही खतरनाक थी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी थी, ब्रिलियंट मूवी थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बेटे का और एक बाप का रिश्ता बनाया इसमें, दिखाया स्टोरी में, काफ़ी अच्छा है, बेटर है, बहुत अच्छी है मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसके अंदर सबसे अच्छी कहानी, स्टोरी, लव, सब कुछ दिया है, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। वी हैड कम फॉर 4 o'clock शो, उसकी भी टिकट नहीं मिली, देन वी ट्राइड की 8 o'clock के शो की मिल जाए, उसकी भी हम लोग को टिकट नहीं मिल रही, एंड माई हस्बैंड इज़ अ बिग टाइम फैन ऑफ रणबीर कपूर, सो वी वर वॉन्टिंग कि आज फर्स्ट डे ही देखें मूवी, बट अब We'll have to switch cities, I guess. Die hard fan है रणबीर कपूर के, disappoint होके जा रहे हैं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि उसकी मूवी के हाउसफुल चल रहा है, सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। मूवी तो बहुत अच्छी लगी एनिमल, मतलब कि कुछ ऐसा लगा जैसे कि बहुत अलग ही, दूसरा पार्ट आएगा नहीं आएगा तो देख नहीं सकते, मगर मूवी में मजा आ गया एकदम, क्योंकि एक्शन बहुत ही, अब क्या होगा देख के बड़ा अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा मूवी को देख के, बस यही कहना चाहता हूँ मैम। मोस्टली जो आजकल के टीनेज लोग बच्चे सोचते हैं मूवीज के बारे में वैसा नहीं था, बिकॉज आप सोचिए थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो अगर किसी के पास कोई ऑप्शन है किसी बंदे को शॉट करने का, तो व्हाई वुड ही गो फॉर अ मिलियन अटैक्स, एंड द प्लॉट ऑफ द मूवी वाज नॉट ए व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज वी हैव बंगला ट्यूशंस आल्सो, एंड आई डोंट थिंक इट सूट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। लगातार जो रिव्यूज मिल रहे हैं, बात करें कैसा रहा आज का शो, आप बताएंगे कैसा रहा? काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत दिनों में है, बाकी तो मार धाड़ काट चली रही है, तो ये तो है। हाँ,
बाकी मैम मूवी बहुत अच्छी थी, मैम बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, पर बीच में काफ़ी एक्शन था, लास्ट में मूवी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक तरीके से जैसे आजकल बिजी रूटीन है लाइफ में सबका, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उसके ऊपर मैम काफ़ी अच्छी मूवी है, पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए और बाकी मैम मुझे फ्रेंड्स के साथ देख के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद लव स्टोरी के बाद कुछ ऐसी मूवी आई है, थैंक यू। तो बैक टू बैक सभी कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी मूवी है और सभी को बहुत पसंद आ रही है, लगातार हाउसफुल चल रहा है। आप भी देखिए, हमें बताइएगा जरूर कमेंट्स में आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।